वन लिपस्टिक मेक 100 शेड। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को यही सिखाने वाली है कि अगर आप लोग के पास एक लिपस्टिक है और आप लोग नित नए लिपस्टिक लगाने के शौकीन है तो आप लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा कलर बना सकते हैं घर पर ही, तो आज की वीडियो में आप लोग को यही सिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगी कि आप लोग के पास अगर एक लिपस्टिक है तो आप लोग इसकी हेल्प से 100 से भी ज़्यादा किस तरह कलर बना सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रेड लिपस्टिक है और उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे कलर बनाने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप लोग को बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंसीलर और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब लड़कियों के पास होती हैं। हमें चाहिए एक कंसीलर, एक वाइट पेंसिल और एक काजल, और एक हमें चाहिए आई शेडो पैलेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक लिपस्टिक हम लड़कियां रोज़ वेयर नहीं कर सकती हैं, हमें ज़्यादा कलर की लिपस्टिक चाहिए होती है और बहुत दफ़ा हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो इस सूरत हाल में हम लोग अपने घर पर ही मिक्स एंड मैच करके कलर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग को यही डिटेल से समझाऊंगी, जहाँ पर मैं एक लिपस्टिक के बहुत सारे स्वाचेज ले रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, इससे मैं आप लोग को अलग अलग कलर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग डार्क शेड की तरफ जाते हैं, तो रेड लिपस्टिक के ऊपर हम लोगों ने ब्लैक काजल अप्लाई किया, उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपना शेड फौरन चेंज कर लिया, अब ये थोड़ा मैरून टाइप की तरफ चला गया है। इसको हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर मैंने अच्छी खासी मकदार में अप्लाई किया है, तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं ये टोटल चॉकलेट शेड बन चुका है, यानी कि एक लिपस्टिक को हम लोगों ने सेकंडों में ही चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा हल्का अप्लाई किया तो मैरून शेड बना, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा, यानी कि मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, बस मैंने दरमियाना अप्लाई किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे ही कलर काफ़ी हद तक चेंज हुए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और ज़्यादा अप्लाई करके देखूँ कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या शेड बनने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा मैरून सा शेड बन चुका है, बहुत ही डिफरेंट सा बना है शेड, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर हम लोगों ने वाइट पेंसिल ली है, उसको अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगाया, और गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे ही मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर कलर पिंक होता चला गया। यहाँ पर मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ कर दी, तो आप लोग देख सकते हैं कि गाइस किस कदर हसीन कलर बने। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही कम अप्लाई किया है, तो यहाँ पर इसने हल्का सा कलर चेंज किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पर अब मैंने थोड़ी और डाला कलर और ऐड किया इसमें, तो बहुत ही प्यारा सा कलर बना। अब यहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और गाइस अगर आप लोग के पास वाइट पेंसिल नहीं है तो आप लोग कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही काम करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा कलर बना है, प्लम्प सा शेड बना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कलर। और गाइस आप लोग जिस कदर डालेंगे कलर, आप लोगों का कलर उस हिसाब से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग कम डालेंगे तो कम कलर चेंज होगा, ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा कलर चेंज होगा। आप लोग देख सकते हैं ये सारे कलर ही टोटली डिफरेंट हैं, यहाँ पर मैं लाइट ऑन करके और ऑफ करके भी आप लोग को फ़र्क दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग करीब से भी देख लीजिए, मुझे तो सारे कलर, यकीन करें ये एक लिपस्टिक के शेड्स हैं, मैंने कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं की। अब यहाँ पर मैंने मज़ीद कुछ लिप्स मतलब हैंड स्वाचेस किए हैं लिपस्टिक के, मैंने ऐड किया लिपस्टिक, क्योंकि अब मैं आप लोग को आई शेडो की हेल्प से कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं सिखाऊँ। ये वाला तो मैं बहुत ज़्यादा हैक ट्राई करती रहती हूँ ख़ुद भी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेकअप की तो मुझे कोई कलर समझ नहीं आता तो मैं इस तरीके से ही बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मुझे पर्पल शेड पसंद आ रहा था तो मैंने ये वाला अप्लाई किया, और गाइस मेरी ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट मुझसे टूट गई थी, तो बस अब मैं इसको इस तरीके से ही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे काम नहीं आती मगर मुझे ये पसंद बहुत ज़्यादा थी, दुआ करें कि मैं इसको दोबारा से बाई कर सकूं। अब यहाँ पर मैंने रेड को ऑरेंज शेड में तब्दील करने की कोशिश की है। तो आप लोग कोई सा भी कलर अपनी पसंद का, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर उठाएं और अपने लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लें, तो यकीन करें ये मैं लाइव भी वीडियो में दिखाती रहती हूँ। मैं जब शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ तो मैंने बहुत सारे तरीके लिपस्टिक के बता रखे हैं, लिपस्टिक के ऊपर तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं शॉर्ट्स में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि पिंक शेड भी ट्राई कर लेते हैं, तो गाइस आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कोई सा भी शेड बना सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना इसलिए कम शेड ही बनाकर दिखा रही हूँ, मगर आप लोग देख सकते हैं कि एक लिपस्टिक की हेल्प से हम लोगों ने कितने सारे शेड बनाए हैं।
और पता भी नहीं चल रहा कि ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लिपस्टिक्स ही हैं। तो आप लोग ये वाली तकनीक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ी हौसला अफज़ाई मिले। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।